5 फरवरी 2024 को रात को करीब 11 बजे थाने पे इतला मिली थी कि आपको ये आदमी घायल स्थिति में ईदगाह दिल्ली हाईवे पे पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची तो उसके चूंकि सिर पे चेहरे पे चोट चोट के निशान थे, तो उसमें उसके परिजनों को बुला करके 302 IPC में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। बेसिकली ये जो मृतक था ये धौलपुर का रहने वाला था और ऑटो चलाता था जयपुर में। इसके जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सारा चारों तरफ आसपास देखा, करीब 500-600 CCTV फुटेज खंगाले गए कि ऑटो कहाँ से चला था, कहाँ आया, यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये रहता आगरा रोड पे था। सारा चीज पता करने के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे कि ये जो भी करने वाले हैं कोई नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने लूट के इरादे से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इसी के चलते चलते जब हमने सारे नशेड़ियों से पूछताछ की, सारे करीब 200-250 ऑटो चालकों से पूछताछ की, सारा कंडक्ट पता किया, तो हम मुलजिमों का पता लगाया, जिनमें से एक मुलजिम पहले 18 साल की मालवीय नगर की एक डकैती के मामले में सजा काट चुका है, 18 साल सेंट्रल जेल जयपुर में। उसके खिलाफ डकैती के और भी दूसरे मामले हैं। जो बाकी दो मुलजिम हैं वो भी लूट और डकैती में ही वांछित हैं। मोहम्मद बाबुल है ये जो 18 साल की सजा काट चुका है। दूसरा मुलजिम है यूसुफ कुरैशी उर्फ सोनू, और तीसरा है अकील उर्फ पीपा। ये तीनों ही नशेड़ी हैं, नशा करने के आदी हैं और इस तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पूछताछ पे इनसे सामने आया कि इस मामले में भी इनका उद्देश्य सिर्फ लूट था और ये लूट के इरादे से सिंधी कैंप के आसपास से इन्होंने कहीं हाथ देके ऑटो चालक को और उसमें बैठे रास्ते में जानबूझ के इन्होंने दोनों साइड में ऑटो के पर्दे लगा रखे थे ताकि किसी भी सीसीटीवी में इनका चेहरा फुटेज में ना आ पाए। और उसी के चलते चलते रास्ते भर ये प्रयास करते रहे कि जहां हमें कहीं मौका लगे वहां हम इस घटना को कर दें। जब कहीं मौका नहीं मिला तो ये दिल्ली रोड पे ईदगाह के पास आ गए। यहाँ आगे चूंकि एक बड़ी बस खड़ी थी उसके पीछे इन्होंने उसको रुकवाया, रुकवा करके, और चूंकि दो जने थे ये, एक जने ने इसकी गर्दन को हाथ से पकड़ा और दूसरे ने उसके पैसे वैसे करीब 1200-1300 रुपए थे उसके पास, वो उसके लूट लिए। उसका मोबाइल था वो भी चला गया और ले जा करके फिर इन्होंने पुलिस से बचने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र और कई स्टेट्स में जाकर के अब तक फरारी काटते रहे। अजमेर चले गए, पाली चले गए, लास्ट में फिर हमने इनको ट्रेस किया तब ये एक जना दिल्ली से पकड़ा है हमने और दो जने यहाँ से जयपुर से पकड़े हैं। घटना कितने बजे कारी थी, उन्होंने कब टैक्सी ली थी और घटना कैसे, मर्डर कैसे किया है उन्होंने? मर्डर इन्होंने किया, दो जने थे तो एक ने ऑटो में से जब उतरने लगे तो एक ने तो उसको हाथ से उसकी गर्दन को दबोच लिया और दूसरे ने उसके पैसे निकाले। जब उसने थोड़ा सा रेजिस्ट करने का प्रयास किया, विरोध किया, तो उस समय फिर उसका पकड़ के और ऑटो का जो पाइप होता है, मीटर वगैरह लगा होता है, उस पाइप से उसके सर को मारा जोर से और 2-3 बार मारा। उसकी वजह से उसके सिर में और गर्दन में फ्रैक्चर थे और उसी से उसकी डेथ हुई थी। नहीं, हथियार तो इनसे बरामद नहीं हुए क्योंकि ये तो बेसिकली इस तरह की घटना करते हैं कि लूटा और भाग लिए। टाइमिंग घटना का था करीब 10:30-11 बजे रात को। पुलिस को सर कैसे क्लू मिला इसका, क्योंकि घटना 4 महीने पहले की शायद घटना बताया जा रहा है? करीब 5 फरवरी की है, 2.5 महीने हो गए लगभग। 2.5 महीने तो कैसे क्लू मिला सर, तो क्या क्या पुलिस के पास क्या चीज थी ऐसी, और क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, हाँ पीछे छुपे ये हुए थे? बिल्कुल ये 100% ब्लाइंड मर्डर था और इसमें कोई क्लू भी नहीं था। लेकिन हमने जो पूछताछ का हमारा परंपरागत मेथड अपनाया पुलिस का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमने पूछताछ की, सारे ऑटो चालकों से पूछताछ की, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, आसपास के जितने भी नशेड़ी थे, इवन आसपास के अलावा भी हमने जयपुर में भी और 50ों लोगों को लाके पूछताछ किया, तब धीरे 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 हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। नहीं, इस घटना में आरोपी यही है। हाँ, दो इस समय साथ थे और जिनमें से मतलब टोटल 3 लोग हमने हैं, 2 लोग घटना को अंजाम देने में थे,
तीसरा इनका सहयोगी था जिसने इनको पनाह दी और मोबाइल ले जाके उसको दिया। उसको पता था कि ये घटना करके आए हैं और उसके बावजूद भी उसने उसका मोबाइल खरीदा। नहीं, हमने पता किया है कि इन ढाई महीनों में तो ऐसी कोई घटना सामने आई नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनको तो इनको पता तो था नहीं कितने पैसे हैं, पर एक ऑटो वाले के पास तो अपन समझ सकते हैं कि कितने पैसे होंगे। नहीं नहीं, वो खत्म हो चुका था क्योंकि उसके गर्दन इतनी जोर से इन्होंने दबाई थी कि ट्रेकिया टूट गया था, और फिर जब उसका सिर बढ़ाया जोर से तो उसके यहाँ सिर में फ्रैक्चर था। बाबूलाल 18 साल की जेल काट के अभी करीब 2 साल पहले फ्री हुआ है। बेसिकली ये अब से नहीं है, ये तब जब 18 साल पहले सजा हुई थी तब से 94 का मामला था मालवीय नगर थाने का, जिस केस में इनको सजा हुई है। इन पे तीनों पे इनाम भी डिक्लेयर था यहाँ जिला पुलिस की तरफ से, और ये 30,000 रुपए के इनामी है। दो पकड़े हमने, एक मुलजिम ऑलरेडी जेल में है, उसको हम जेल चलेंगे। हाँ, नहीं वो उसका रीजन ये रहा कि हमने जब फुटेज, एक बहुत दूर का सीसीटीवी फुटेज थोड़ा सा हमें नजर आया था, तो उसमें एक बड़ी बस आगे खड़ी हुई थी और उस बस के पीछे इन्होंने ऑटो को रुकवाया। तो उस वक्त पर्टिकुलर कुछ एक आध दो मिनट का टाइम ऐसा रहा कि शायद वहां कोई देख नहीं पाया। नहीं, पीसीआर खड़ी रहती है, लेकिन पीसीआर हर वक्त तो नहीं रह पाती है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पीसीआर उस इन्फॉर्मेशन में। नहीं ऐसा नहीं है, पूरा दिल्ली रोड पे तो हर जगह तो आदमी तैनात नहीं रहते हैं। हमारी पीसीआर या मोबाइल जो गाड़ियां हैं या और गश्त में रहते हैं, वो मोबाइल पार्टियां रहती है कि अभी यहाँ है, फिर आधा किलोमीटर आगे चले गए, फिर 1 किलोमीटर आगे चले गए। और इस घटना को जो अंजाम दिया, ये तो मुश्किल से 1 मिनट में सारा काम हो गया, बल्कि लेस देन 1 मिनट में ही सारी घटना को अंजाम दिया। अभी तो पूछताछ हमने कर लिया, अभी तक तो और कोई बात नहीं आई है। ये किसका अच्छा, नहीं वो तो आइडेंटिफाई हो गया था ना, उसका खुद का ऑटो था, ऑटो के नंबर से आइडेंटिफिकेशन तुरंत हो गया था। परिवार के उसके भाई ने आकर की रिपोर्ट दी थी, वो तो यहाँ अकेला ही रहता था, उसके ब्रदर ने आकर के और रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका अकील उर्फ पीपा। नहीं वो अकील उर्फ पीपा तो साथ ही था, ये जो दूसरा है सोनू, ये दोनों, हाँ ये दोनों साथ थे मर्डर करने वाला। हाँ नहीं, मर्डर किया पीपा ने और सोनू ने, अकील उर्फ पीपा और यूसुफ कुरैशी और सोनू। हाँ फिर इन्होंने जो पैसे और मोबाइल इस घटना से लिए थे, वो मोबाइल इसको दिया मोहम्मद बाबुल को, और इसको ये पता था कि ये घटना हुई है और इस घटना में ये मोबाइल लेके आए हैं और ये पैसे लेके आए हैं, इसकी जानकारी में था ये। जी ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अभी रिसेंटली हमने कम से कम 10 मुकदमे एनडीपीएस से संबंधित दर्ज किए हैं, और बराबर हम प्रयास ये करते हैं कि इस फील्ड में ही सबसे ज्यादा पूरा हमारी एनर्जी लग रही है, तो कर रहे हैं हम कंट्रोल पूरा। ये एचआर साहब अभी नया ज्वाइन किया है, इन्होंने काफी इसमें काम कर रहे हैं। सर एक चीज और है, मेरे थाने में कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ब्लैक करके दारू बेचती है, घर के अंदर से इनफैक्ट वहाँ से भी। बिल्कुल सर, वो पूछे तो पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहते तो ये एक बार आईएस भाई है, अगर आईपीएल भाई है। नहीं ऐसी तो हमारे पास तो देखिए कोई बात नहीं आई है कि कोई रॉब झाड़ता हो या कोई ऐसी कार्रवाई हमें करने में दिक्कत आ रही हो। हम जब भी कोई हमारे पास, नहीं हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर एक
हाँ, वो दो बदमाश और दो हथियार और हैं, और मैं चाहूंगा कि इंसार साहब उसको ब्रीफ करें।